हेलो नमस्कार काय कैसे हैं आप सभी जी हाँ स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल पे आई होप माय लाउड एंड क्लियर एंड अभी किसी भी प्रकार का टेक्निकल ग्लिच आपके और हमारे बीच नहीं आएगा जल्द से जल्द आ जाइए सभी क्योंकि यहाँ पर हम करने वाले हैं हमारे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पढ़ाई और जैसा कि आपको पता है ये आपके एम एच सेट सी यू टी और साथ ही साथ आपके क्लैट जे एम आई स्लैड इन सभी एग्जामिनेशन में पूछी जाने वाली चीज है इसीलिए हम इसको बहुत डिटेल में यहां पर कवर कर रहे हैं हाई एवरीबडी हाई यस आई एम वेटिंग फॉर सम अदर किड्स टू ज्वाइन सो दैट वी मे स्टार्ट आवर सेशन हाई रिया हाई निशा जोया शिवी यू हाय मलिहा मुस्कान स्वागत है आप सभी का हाय विशाल चलिए तो आज हम यहां पर इस सेशन को करने वाले हैं शुरू जैसा कि आप सभी को पता होगा कि लास्ट क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम जो है पढ़ रहे थे अबाउट दी वॉइड अग्रीमेंट्स वॉइड अग्रीमेंट्स व्हाट डू यू मीन बाय अवॉइड अग्रीमेंट कैन समवन प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस आखिर एक वॉइड अग्रीमेंट होता क्या है हाय सानिका आई एम गुड बच्चे आप कैसे हो हाय मधु दिव्यानी मुस्कान हाय शशांक सभी का बहुत बहुत स्वागत है हाय फरमान सो व्हाट इज अ वॉइड अग्रीमेंट सो बेसिकली दो अग्रीमेंट व्हिच डू नॉट

एक ऐसा अग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा एनफोर्स किया जा सकता है इसी को तो हम वॉइड अग्रीमेंट कहते हैं ठीक है तो यहां पर वो सारे के सारे अग्रीमेंट जो कि कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकते उनको जो है बेसिकली हम वॉइड अग्रीमेंट्स के नाम से जानते हैं जहां तक आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने कुछ अग्रीमेंट्स पढ़े थे फॉर एग्जाम्पल अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन या फिर अग्रीमेंट जिनका ऑब्जेक्ट या फिर कंसिडरेशन जो है वो अनलॉफुल होता है या वो अग्रीमेंट्स जो कि रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज के लिए है या वो अग्रीमेंट्स जो कि रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के लिए है ये सारे ही अग्रीमेंट्स एक्सप्लिसिटली वॉइड करार दिए गए हैं इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वॉट आज वी विल बी स्टडिंग अबाउट अग्रीमेंट्स इन रेस्ट्रिंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वॉट डू यू मीन बाय अ लीगल प्रोसीडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स का मतलब बेसिकली क्या होता है सपोज करिए देर इज अ पर्सन जिसका नाम है मिस्टर ए या अनिल कुमार मान लेते हैं अनिल जी ने यहां पर सौरभ जी के साथ एक अग्रीमेंट किया और इस अग्रीमेंट में ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं अनिल जी कहते हैं कि मैं आपको फाइव लाख रुपीस दूंगा उसके बदले में आप मुझे फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स आप फॉर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स मुझे जो है राइस डिलीवर करते रहोगे ठीक है जब भी मुझे अपने खाने के लिए राइस चाहिए तो वो आप मेरे घर पे डिलीवर करते रहोगे सपोज करिए कि कुछ इस प्रकार का अग्रीमेंट यहां पर दोनों ही पार्टीज के बीच हो जाता है अब इस स्थिति में एक क्लॉज ये कॉन्ट्रैक्ट में डाल देते हैं क्लॉज क्या डालते हैं ये कहते हैं केस ऑफ अ डिस्प्यूट केस ऑफ अ डिस्प्यूट relating to this agreement relating to this agreement none of us will move to the court क्या बोला गया कि अगर हमारे बीच इस arrangement में किसी भी प्रकार का डिस्प्यूट आता है तो फिर हम दोनों में से कोई भी कोर्ट नहीं जाएगा कोर्ट नहीं जाएगा का मतलब यहां पर क्या हुआ कोर्ट नहीं जाएगा का मतलब यहां पे हुआ कि हम में से कोई भी जो है इसके खिलाफ एक लीगल प्रोसीडिंग्स को शुरू नहीं करेगा पूरा का पूरा सवाल यह है कि क्या ऐसा कोई अग्रीमेंट वैलिड कंसिडर किया जाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट को हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे या फिर ऐसा भी हो सकता है सपोज करिए देर इज अगेन मिस्टर सुशील मिस्टर सुशील जो है इन्होंने मिस्टर राम कुमार के किसी लीगल राइट right का वायलेशन कर दिया ठीक है अब क्या होगा राम कुमार जो है ये कोर्ट जाएंगे और केस फाइल करना चाहेंगे जब ये कोर्ट जा रहे थे उससे पहले ये अपने फ्रेंड को बता देते फ्रेंड का नाम क्या है लेट सपोज मिस्टर तारक मिस्टर तारक को बोल दिया कि भाई देखो मैं जा रहा हूं और सुशील के खिलाफ केस फाइल करने वाला हूं अब मिस्टर तारक को ये लगता है कि यार सुशील और रामकुमार ये दोनों ही मेरे दोस्त हैं और मैं नहीं चाहता कि ये दोनों किसी भी प्रकार के लीगल झंझट में आपस में फंसे तो फिर ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में जो यहां पर आपके तारक जी हैं वो कहते हैं सुशील को कि तुम जाकर राम कुमार को सॉरी बोलो और उसको फाइव थाउजेंड रुपीज दे दो मिस्टर राम कुमार को पांच हजार रुपए मिस्टर सुशील दे देते हैं और इसके बदले मिस्टर राम कुमार एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ किसी भी प्रकार का केस फाइल नहीं करूंगा आई विल नॉट गुड कोर्ट अब होता है क्या कि मिस्टर रामकुमार जो है वो ये पांच हजार रुपए लेने के बावजूद कोर्ट जो है वो चले जाते हैं और केस फाइल कर देते हैं तो अब यहां पर मिस्टर सुशील का ये कहना होता है कि मैंने तो पांच हजार रुपए दिए थे इस कॉन्ट्रैक्ट को अब एनफोर्स कराया जाना चाहिए तो क्या यहां पर इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स कराया जा सकता है येस और नो हाउ इज द टर्म एब इनिशियो यूज इन लीगल uh, टर्म्स बच्चे एब इनिशियो का मतलब होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग इट जब हम कहते हैं दैट अ अ कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड इनिशियो तो उसका मतलब होता है कि अगर आप एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो शुरुआत से ही वॉइड कंसिडर किया जाएगा उसमें कोई भी वैलिडिटी जो है किसी भी प्रकार से उसको वैलिड जो है हम कंसिडर नहीं करेंगे ठीक है सो वॉइड एब इनिशियो मतलब फ्रॉम द स्टार्ट इट सेल्फ हेलो भैया हैप्पी होली हमारे यहाँ होली आज क्या बात कर रहे हो आप क्या आज होली है बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को होली के लिए एंड यस yes, जिन बच्चों से मैं नहीं मिल पाया उनको भी होली के पर्व की बहुत सारी शुभकामनाएं आशा करता हूँ कि आप सभी ने होली अच्छी से मनाई होगी और अभी मना रहे होंगे एंड साथ ही साथ ये याद रखिए जिस प्रकार से बुराई पर जो है जीत हुई है और फिर उसके बाद जीवन में लोगों के रंग आए हैं वैसे ही आप भी अपने अंदर की बुराइयों को खत्म करिए और जल्द से जल्द अपने अंदर भी वो खुशियों के रंग लेकर आइए और आपकी वजह से अपने परिवार और अपने समाज के अंदर भी ये खुशियों के रंग आपको लाने हैं ठीक है हाय हाय ध्रुवी यू यस yes एंड जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वी आर फोर्टी वॉचिंग लाइव लेकिन लाइक्स मात्र पंद्रह कमाल करते हो यार जल्द से जल्द लाइक बटन पे भी क्लिक करते जाइएगा जी तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है यह किसी भी तरह से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसिडर किया जाएगा वाई विल इट नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर द शियर रीजन अगेन दैट यहां पर भी आप जो है लीगल प्रोसीडिंग्स से रेस्ट्रेंट कर रही हो और ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो लीगल प्रोसीडिंग्स को रेस्ट्रेंट करता है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कंसिडर किया जाता है समझ में आ गया चलिए अब इसी के साथ साथ आपको एक और चीज बता देते हैं कैन समवन प्लीज लेट मी नो व्हाट डू वी मीन बाय आर्बिट्रेशन वॉट डू वी मीन बाय आर्बिट्रेशन तारक वॉज एन आर्बिट्रेटर हो यस देखो क्या होता है जब भी कभी हम कोर्ट जाते हैं ना तो आपने पुराने मूवीज़ में भी सुना होगा कि यार कोर्ट के चक्कर ना ही लगे तो अच्छा है क्योंकि जब आप कोर्ट जाते हो तो सबसे पहले तो यहां पर आपको बहुत ज्यादा मनी लगता है साथ ही साथ आपने सुना होगा तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख मिलते जा रही है यानी कि टाइम लगता है बहुत ज्यादा है ना इसके अलावा मनी टाइम और इसके अलावा क्या चीज होती है सर इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा करवाना पड़ता है फिर जो भी जजमेंट आता है उसमें बेसिकली क्या होता है कि वन पार्टी विंस वेर एज दी अदर लूजेस एक पार्टी जीतती है और दूसरी जो है वो लूज कर जाती है ठीक है तो ये जो है ये आपके कोर्ट की कोर्ट जाने के आप कह सकते हो कि फायदे होते हैं या नुकसान होते हैं वो आप खुद रियलाइज कर सकते हो ठीक है पैसा बहुत लग रहा है समय बहुत लग रहा है और साथ ही साथ यहां पर एक पार्टी जीत रही है और एक पार्टी हार रही है कहने का मतलब क्या हुआ सर सपोज करिए सपोज करिए देर इज वन पर्सन जिसका नाम है श्रेया और उसकी एक दोस्त है जिसका नाम है कामिनी अब ये दो फ्रेंड्स हैं इनके बीच किसी प्रकार का डिस्प्यूट हो जाता है डिस्प्यूट क्या है कि श्रेया कह रही है कि कामिनी जो है उसको मैंने पांच सौ रुपए दिए थे देर फॉर आई वॉन्टेड बैक कामिनी का कहना है कि मैंने ऐसे कोई पैसे लिए ही नहीं इसीलिए आई वॉन्ट गिव इट बैक ठीक है अब अगर कोर्ट में ये केस जाएगा तो क्या होगा कोर्ट में अगर ये केस जाएगा तो या तो कामिनी जीतेगी या तो श्रेया जीतेगी सबसे पहले तो इसको स्टैब्लिश करने में ही साल ओ साल निकल जाते हैं और साथ ही साथ बहुत ज्यादा जो है लोगों का पैसा भी लगता है एंड लास्ट में कोई एक पार्टी जीत सकती है और दूसरी पार्टी हार सकती है तो इसीलिए इसमें जो है या तो श्रेया जीतेगी जिसको पांच सौ रुपए मिलेंगे या कामिनी जीतेगी जिसको पांच सौ रुपए नहीं देने पड़ेंगे अगर श्रेया जीतती है तो कामिनी को दुख होगा कि मुझे पांच सौ रुपए देने पड़े और अगर कामिनी जीतती है तो श्रेया को दुख होगा कि उसको पांच सौ रुपए जो है वो यहां पर नहीं मिले ठीक है अब इस चीज से क्या होता है आप कितना ही बोलो कि हम जो है डिस्प्यूट को सॉल्व कर रहे हैं रिजोल्व कर रहे हैं बट डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं होता है क्योंकि एक व्यक्ति हमेशा दुखी ही घर वापस लौटता है इसीलिए हमारे समाज में अब एक नया कॉन्सेप्ट जो है वो आने लगा है जिसको हम कहते हैं ए डी आर वॉट डू यू मीन बाय एडीआर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन Alternate डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अब ये जो ADR होता है, इसके अलग अलग होते हैं। कौन-कौन से मैकेजम होते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने आर्बिट्रेशन के बारे में सुना होगा, आपने के बारे में सुना होगा आपने मीडिएशन के बारे में सुना होगा ये सब क्या होते हैं ये मैं आपको एक दिन बहुत डिटेल सेशन बना के बता दूंगा अभी आप इतना समझ लीजिए केवल कि ये जो है आपके अलग अलग ए डी आर के मैकेनिज्म है हाय दिव्यांशु हाव यू पायलोरा हेलो सर डस कोर्ट इवन कंसिडर केसेज इन विच कैश ट्रांजेक्शन आर इन्वॉल्व सिंस इट्स डिफिकल्ट टू प्रूव कैश प्रेसिस एंड लाइक बैंक ट्रांजेक्शन यस दैट इज द ओनली इशू कि प्रूव करने में चूंकि थोड़ा समय ज्यादा लग जाता है एंड इसीलिए ये चीज जो है वो थोड़ी सी कंसिडर uh, नहीं की जाती हाउएवर यहाँ पर जो मैंने आपको सिनेरियो दिया है ये केवल और केवल आपके अंडरस्टैंडिंग बेसिस के लिए है एंड इसको जो है आपको uh, ये समझना है कि एग्जाम्पल के तौर पे समझाया जा रहा है ताकि आप उस चीज़ को सही तरीके से समझ पाए वकील को पैसे मिलेंगे बेसिकली आर्बिट्रेशन बिजनेस लाइन में बहुत फेमस है इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल ठीक है थीगे. ठीक है अब इन पर्टिकुलर मैकेनिज्म का फायदा क्या होता है यहां पर क्या होता है अगर आप इन मैकेनिजम्स के थ्रू जाते हो तो सबसे पहले तो टाइम कम लगता है टाइम इज लेस मनी कम लगता है एंड एट द सेम टाइम यहां पर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है कैसे बाय अ मीडिएटर एक व्यक्ति होता है जो कि बीच में बैठा होता है जो कि किसी भी तरह से दोनों पार्टी से रिलेटेड नहीं होता है और फिर उसके बाद ये व्यक्ति जो है दोनों ही पार्टीज को एक कॉमन एक ग्राउंड पर लाने की कोशिश करती है फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर दामिनी को आ, कामिनी को फाइव हंड्रेड देने थे और यहां जो है श्रेया को मिलने थे तो इस इनको कुछ इस प्रकार से जो है रिजॉल्व कराया जाता है डिस्प्यूट को ताकि एक पार्टी नहीं बल्कि दोनों ही पार्टी यहां से निकलने के बाद खुशी खुशी निकल कर जा सके यानी दोनों को ही उतना लॉस ना हो जितना हो सकता था ठीक है तो ये जो है मैकेनिज्म बेसिकली आपके ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म कहलाए जाते हैं जी, एंड इसका अल्टीमेट एम क्या होता है इसका अल्टीमेट एम होता है कि टाइम कम लगे मनी कम लगे डिस्प्यूट जो है ये ज्यादा बेहतर तरीके से रिजोल्व हो सके तो अब ज्यादा से ज्यादा डिस्प्यूट्स जो हमारे यहां तौर पे कमर्शियल एंगल्स पे होते हैं वो सारे के सारे रेफर किए जाते हैं किस चीज के लिए आर्बिट्रेशन के लिए ठीक है इतना समझ में आ गया अब सपोज करिए एक कॉन्ट्रैक्ट है एक कॉन्ट्रैक्ट है इस कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लिखा हुआ है दैट ऑल द डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट शैल बी referred to arbitration only ऐसा कोई भी डिस्प्यूट जो इस कॉन्ट्रैक्ट से निकल कर आ रहा है वो कहा जाएगा वो केवल और केवल आर्बीट्रेशन में ही जाएगा सर ट्राइब्यूनल एडीआर की कैटेगरी में में आते हैं वी नॉट से हमेशा वो आपको एडीआर की कैटेगरी में ही मिलते हैं बट येस yes, जो ट्राइब्यूनल होते हैं वो uh, जरूर प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस पे वर्क करते हैं यस yes, अगर कोर्ट रेफर करता है उन केसेस को तो डेफिनेटली एडीआर में कंसिडर किया जा सकता है हाय मेहताब हब यू जी तो सपोज करिए अगर ऐसा कोई एक अग्रीमेंट है तो क्या ये एक वैलिड अग्रीमेंट कंसिडर किया क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा जी गाइज आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर क्या ऐसा कोई क्लॉज वाला अग्रीमेंट इज और अदर विल दिस कॉन्ट्रैक्ट बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर किया जाएगा यस एब्सोल्युटली यहां पर जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है जी यहां पर जो आंसर है वो एकदम करेक्ट है आप लोगों का दिस विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में एडीआर का क्लॉज डला हुआ है तो फिर उसको एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी के अंतर्गत हम कंसिडर करेंगे इट विल नॉट बी कंसिडर टू बी इट विल नॉट बी कंसिडर टू बी अ कॉन्ट्रैक्ट जहां पर लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए आपको रिस्ट्रेंट किया जा रहा ठीक है आई होप आई एम क्लियर बट सर ओनली सिविल केसेस को कंसिडर किया जाएगा नॉट क्रिमिनल को ऑब्वियसली क्लियर है जी गाइस आई एम ऑल्सो इन्फॉर्मिंग यू कि आज शाम को 5:30 थर्टी अन अकेडमी के पोर्टल पर स्पेशल क्लासेस पर 5:30 थर्टी हमारे लिए आ, हमारे द्वारा आप सभी के लिए एक सेशन लाया जा रहा है जहां पर 5:30 थर्टी टू सेवन हम लॉ ऑफ टॉट्स से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज़ उस सेशन में आ जाइएगा सेशन का लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा b e i n g a d i t y a r a i ये वो टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको उस क्लास का लिंक मिलेगा जो अन अकेडमी के पोर्टल पर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी होगी ठीक है तो आप यहां तक पहुंच सकते हैं और यहां पे पहुंचने के बाद आप उस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं अन अकेडमी के पोर्टल पर इसलिए हो रही है क्योंकि अन अकेडमी के पोर्टल पर आप सभी को पता होना चाहिए लाइव क्विजे होते हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो इन लार्ज नंबर्स और जब आप पार्टिसिपेट करोगे तो आपको आपका रैंक भी वहां पर दिखता रहता है ठीक है तो यह चीज होगी कितने बजे 5:30 थर्टी पीएम टूडे तो जो जो बच्चे यहां पर जुड़ना चाहते हैं वो यहां पर आकर जुड़ सकते हैं क्लियर है गाइस चलिए तो यहां पर हमने जो है पढ़ लिया अबाउट द अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स उ एवर अब जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है अग्रीमेंट्स मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन ऐसे अग्रीमेंट्स जिनका मीनिंग अनसर्टेन हो ऐसे कौन से अग्रीमेंट्स हो सकते हैं जिनका मीनिंग अनसर्टेन होता है फॉर एग्जाम्पल अगर एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर रोहित श्रीवास्तव अब ये रोहित श्रीवास्तव जो है ये अग्रीमेंट करते हैं एक व्यक्ति के साथ जिनका नाम है प्रखर प्रखर ले प्रखर गालब नाम के एक व्यक्ति है और यहां पर एक रोहित श्रीवास्तव नाम के व्यक्ति है ये दोनों फ्रेंड्स है लेकिन साथ ही साथ क्या होता है कि ये जो प्रखर गालव है इनका बिजनेस है अरे मतलब अभी तक आया क्यों नहीं जी गैस, I'm so sorry. <coughs> थोड़ी सी तबियत खराब है तो उसकी वजह से खासी आ एक बिजनेस है किस चीज का ऑयल का तो ये बहुत सारे ऑयल्स रखते हैं Let's suppose palm oil, olive oil, या फिर कैस्टर ऑयल ऑयल ठीक है? ऐसे इनके बहुत सारे अलग अलग जो है वो ऑयल्स का बिजनेस है ठीक है बहुत सारे ऑयल्स का बिजनेस है अब ये दोनों ही फ्रेंड्स हां जी सानिका आई एम नाउ सम्यक थैंक यू तो अब इन लोग क्या करते हैं <coughs> इन लोग भी आपस में एक अग्रीमेंट कर रहे हैं जहां पर अग्रीमेंट में लिखा है दैट रोहित कह रहे हैं आई विल पे यू टेन थाउजेंड रुपीज इन रिटर्न ऑफ इन रिटर्न ऑफ वॉट इन रिटर्न ऑफ फाइव लीटर्स और राधा टेन लीटर्स ऑफ ऑयल दोनों ही पार्टी के बीच में यह अग्रीमेंट होता है जहां पर कहा जाता है कि दस हजार रुपए जो है वो पे किया जाएगा और इसके बदले में क्या होगा टेन लीटर दिया जाएगा अब क्या आप लोग यहां पर मुझे बता सकते हैं प्लीज कि किस प्रकार के ऑयल की यहां पर बात करी गई है आर दे टॉकिंग अबाउट ग्राउंड नट ऑयल और दे आर टॉकिंग अबाउट ऑलिव ऑयल और दे आर टॉकिंग अबाउट मस्टर्ड ऑयल ये किस ऑयल की बात कर रहे हैं क्या इस चीज को हम यहां पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑयली oil है ना यस yes. क्या लगता है क्या यहां पर यह आइडेंटिफाई किया जा सकता है अनडिफाइंड वेरी गुड आप इसको अनडिफाइंड तो नहीं बोलेंगे बट राधर हम ये कह सकते हैं कि अनसर्टेन है कि, कि किस ऑयल की बात हो रही है अब जब भी कभी ऐसे अनसर्टेन अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर हमारे लिए ये निकाल पाना पॉसिबल नहीं है कि आखिर किस ऑयल की बात की जा रही है तो फिर उस स्थिति में ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता अब चूंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता तो फिर इसको आप कैसा अग्रीमेंट कहोगे इसको आप कहोगे एक वॉइड अग्रीमेंट एंड दिस इज वॉट इज गिवन इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट Any any agreement the meaning of which is uncertain is to be considered to be a void agreement. ठीके? I hope I am clear. please. And then we shall move ahead. <laughs> ई होप दिस इज रिटर्न सो दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन डन चलिए अब आते हैं नेक्स्ट अग्रीमेंट पे व्हाट इज द नेक्स्ट अग्रीमेंट सर अगला अग्रीमेंट जो है दैट इज अग्रीमेंट टू डू एंड इम्पॉसिबल एक्ट अग्रीमेंट टू डू एन impossible एक्ट आप सभी ने कभी ना कभी खुद या फिर अपने दोस्तों को यह कहते हुए सुना होगा किसी ना किसी एक अपनी महिला मित्र को कि आप हमारे साथ अपना जीवन बिताने का तय करिए एंड आई प्रॉमिस कि मैं आपके लिए चांद तारे तोड़कर लाऊंगा क्या करूंगा चांद तारे तोड़कर लाऊंगा बट फिर दूर खड़े होकर आप या फिर आपके दोस्त इस बात पे हंस रहे होते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये वो चीज है जो कि पॉसिबल है ही नहीं ऐसा कर पाना पॉसिबल नहीं है कि आप किसी के लिए चांद तारे तोड़कर ले आए यानी कि आप ऐसी कुछ चीज करने को बोल रहे हो जो कर पाना पॉसिबल ही नहीं है अगर ऐसा कोई भी अग्रीमेंट किया जाता है जहां पर आप कुछ एक ऐसी चीज करने को कह रहे हो जिसको कर पाना पॉसिबल नहीं है तो उस प्रकार के अग्रीमेंट को हम एक वॉइड अग्रीमेंट ही कंसिडर करेंगे फॉर एग्जाम्पल अगर देर इज अ पर्सन ग जस्ट गिव मी वन सेकेंड जी तो यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट अग्रीमेंट टू डू एन इम्पोसिबल एक्ट तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा ऐसी स्थिति में लेट कॉन्ट्रैक्ट जहां पर एक बच्ची है जिसका नाम है लेट सपोज मुस्कान मुस्कान ने ले रखा है एक बहुत सुंदर सा डॉग बट ये डॉग अब बहुत बुजुर्ग हो चुका है और इसकी डेथ हो जाती है तो इससे जो है मुस्कान बहुत दुखी है लेकिन तभी इस चीज का फायदा उठाने के लिए दर इज अ पर्सन जिसका नाम है लेट सपोज विवेक विवेक मुस्कान को यह कहता है कि मैं आपके इस डॉग को अलाइव कर सकता हूं जीवित कर सकता हूं बट उसके लिए मुझे चाहिए ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज ठीक है मुस्कान यहां पर ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज दे देती है बट उसके बाद ये जो विवेक है ये जो भी अपने मैजिक स्पेल्स करते हैं उसके बावजूद ये इस डॉग को अलाइव नहीं कर पाते अब चूंकि डॉग को अलाइव यहां पर नहीं किया गया या नहीं कर पाया विवेक तो इसलिए मुस्कान जो है वो अब पैसे अपने वापस मांग रहे हैं क्योंकि यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है बट क्या ऐसी स्थिति में आप इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर करोगे द आंसर टू द क्वेश्चन वुड बी नो वाई बिकॉज यहां पर जब विवेक ने कुछ एक चीज करने को कहा है कि मैं डॉग को अलाइव कर दूंगा दैट इज समथिंग जो कि पॉसिबल है ही नहीं एंड जब भी कभी हम ऐसा कोई एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसको करना इम्पॉसिबल है या कुछ एक ऐसा एक्ट है जो कि इम्पॉसिबल है तो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हम कभी कॉन्ट्रैक्ट कह ही नहीं सकते इसलिए वो क्या होगा वो एक वाइड अग्रीमेंट होगा समझ so, में आ गया आप इसको लिख सकते हैं दैट अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज बेसिकली वॉइड और साथ ही साथ यहां पर आपको ये जो एग्जाम्पल दिया है प्लीज इसको लिख लीजिएगा चांद तारे छोड़ो सर आजकल के जनरी को प्रॉपर्टी चाहिए नो <coughs> भैया आंटी आखिर भूत बना के चली गई चलिए ठीक है ये भी डन है अब आते हैं जी हम आगे एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट समथिंग विच इज नोन एज वेजरिंग अग्रीमेंट्स वेजरिंग अग्रीमेंट्स जी तो अब हम यहां पर बात कर रहे हैं वेजरिंग अग्रीमेंट्स की वेजरिंग अग्रीमेंट्स कौन से अग्रीमेंट्स होते हैं जब भी कभी आपने देखा होगा दो दोस्तों को किसी भी बातों में वो शर्त लगाने पहले चालू हो जाते हैं फॉर एग्जाम्पल कल धोनी की बैटिंग आएगी या नहीं आएगी इस पर शर्त लगा लेते हैं या फिर कल बारिश होगी नहीं होगी उस पे शर्त लगा लेते हैं या फिर कल जो है एग्जामिनेशन जो टीचर लेने वाली है स्कूल में वो टीचर प्रेजेंट होगी या नहीं होगी उस पे शर्त लगा लेते हैं तो जब भी कभी कोई एक ऐसा अग्रीमेंट किया जाता है जहां पर बेसिकली क्या हो रहा है आ, यहां पर बेसिकली शर्त लगाई जा रही है एंड यहां पर जो है मॉनिटरी बेनिफिट दोनों ही पार्टीज को मिलने के चांसेस हैं यानी देर इज अ चांस ऑफ इधर लूजिंग और विनिंग फॉर बोथ दी पार्टीज तो उसको हम बेसिकली एक वेजरिंग अग्रीमेंट के नाम से जानते हैं वेजर का मतलब क्या होता है वेजरिंग अग्रीमेंट इज एन अग्रीमेंट दैट डिपेंड्स अपॉन

जहां पर एक पार्टी जो कह रही है वही चीज दूसरी पार्टी भी बट रेसिप्रिकेट तरीके से कह रही है फॉर एग्जाम्पल ए अग्री करता है टू गिव वन थाउजेंड रुपीज टू बी अगर इंडिया जीतती है मैच में ट्वेंटी फोर्थ ऑगस्ट को वेर एज बी अग्री करता है टू पे द सेम अमाउंट इफ इंडिया डज नॉट विन मैच ये जो अग्रीमेंट होगा दिस विल बी अ वेजरिंग अग्रीमेंट एंड इस वेजरिंग अग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे सर ये वेजरिंग अग्रीमेंट जो है वो आपका एक वॉइड अग्रीमेंट होगा क्या होगा वॉइड अग्रीमेंट वाई विल इट बी वॉइड बिकॉज ऑल दग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर आर कंसिडर्ड टू बी वॉइड ऐसा साफ साफ हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लिखा हुआ है सर की शादी होगी या नहीं इस पर शर्त लगाते हैं, हाँ क्यों नहीं ठीक है आई होप वी आर क्लियर विद दिस चलिए तो यहां पर जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है सबसे पहले देर हैज टू बी एन अग्रीमेंट बाय वे ऑफ वेजर व्हेन वी से बाय वे ऑफ वेजर मतलब जो पार्टीज हैं जो पार्टीज हैं वो किस चीज पे बात कर रही हैं अनसर्टेन इवेंट पे अनसर्टेन इवेंट का मतलब क्या होता है वो जो अनसर्टेन इवेंट है इट कैन हैपन एज वेल एज इट कैन नॉट हैपन ठीक है देन पार्टीस हैव अ चांस टू डू वॉट इधर टू लूज और टू विन दोनों ही पार्टीज के पास जीतने और हारने का मौका होता है थर्ड थर्ड यहां पर जो प्रोमिस हैं वो कैसे प्रोमिस हैं रेसी प्रोकल प्रोमिस एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग That is, parties do not have any interest in the event other than the money associated. जो पार्टीज हैं उनका इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बारिश होए नहीं होए उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया जीते हारे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा द ओनली थिंग इज द ओनली थिंग इज दैट यहां पर उनका पैसा जो है वो इस चीज में लगा हुआ है हाउेव इस चीज का एक एक्सेप्शन होता है एंड वॉट इज दैट एक्सेप्शन गिवेन ओवर एक्सेप्शन गिवेन ओवर बेसिकली हॉर्स रेस हॉर्स रेसिंग जो होती है उसको यहां पर एक्सप्लिसिटली एज एन एक्सेप्शन जो है वो बताया गया है लगाओ लगाओ सब लोग बैठ में सबके केस लड़ूंगी एक लाख में वाह ठीक है आई होप आई एम क्लियर विथ दिस किसी बच्चे को इसमें कोई इश्यू नहीं होगा यहां तक किसी को अगर कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए आई एम फॉर योर क्वेश्चन

कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ये दो चीजें जो है ये दो अलग चीजें हैं वेजरिंग अग्रीमेंट जो है ये वॉइड होता है लेकिन कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं ये वैलिड होते हैं ठीक है ठेके? जैसा कि वर्ड बता रहा है कंटिंजेंट इसका मतलब क्या होता है कंटिंजेंट मतलब क्या होता है डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट तो जब भी कभी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है विच डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट तो उसको हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा अबाउट इंश्योरेंस इंश्योरेंस में क्या होता है हम लोग हर महीने एक एक्स वाई जी अमाउंट पे करते हैं एंड जो सामने हेल्थ इंश्योरेंस है लेट सपोज तो हेल्थ एजेंसी जो है क्या वो हमको किसी भी प्रकार से कुछ बेनिफिट देती है द आंसर वुड बी नो लेकिन वो बेनिफिट कब देगी वो बेनिफिट उस समय देगी जिस समय यहाँ पर क्या होगा जिस समय यहां पर इवेंट होगा कौन सा इवेंट जहां मेरी तबीयत खराब होगी या फिर अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस ले रखा है तो अगर आपकी गाड़ी ठुकती है तो जाकर फिर इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए आपको पैसे देगी तो यहां पर एक चीज हमको समझने को मिलती है कि जो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर जो हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ द इवेंट हो रहा है दैट इज बेसिकली कोलैट्रल टू मेन कॉन्ट्रैक्ट जो मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ये एक तरह से कोलेक्ट्रल की तरह काम करता है कोलेक्ट्रल मतलब अगर यह चीज हुई या नहीं हुई तो जाकर यह मेन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूट होगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहता हूं कि कल अगर बारिश नहीं हुई तो मैं अपनी सर्विसेज आपको डिलीवर करूंगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाने आ रहा हूं उसके लिए आपने मुझे पे किया है तो मैं वो तभी करूंगा अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो यहां पर हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट जो है वो क्या है तबियत का ठीक होना या खराब रहना और उसके बेसिस पे जो मुझे यहां पर बेनिफिट मिलने वाला है वो क्या है कि मैं आपको सर्विस प्रोवाइड करूंगा एंड आई विल गेट समथिंग इन रिटर्न समझ में आ गया आई होप आई एम क्लियर अब दोनों को कंपेयर करके देख लेते हैं यहां पर कह रहे हैं वेजरिंग इज एन इन वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वेर एज कॉन्ट्रैक्ट कंटेज कॉन्ट्रैक्ट आर वैलिड इन वेजर देर इज अर रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऑलवेज हाउ एवर इन कंटेंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इट इज नॉट ने हमेशा डू नॉट है थर्ड पार्टी का कोई लेना देना नहीं है यहां पर थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट हो सकता है यहां वेजर इज कंटिंजेंट इन नेचर यहां कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर नेवर अंग कॉन्ट्रैक्ट इजी है एक बारी बस आपको इसको समझने की देर है तो सर जान गाड़ी ठोकेंगे मारेंगे जैसे लोग नहीं ऐसा नहीं होता है जानबूझ के नहीं किया जाता है हाउएवर अगर आप लॉयर हो और इन चीज़ों से जुड़े हुए हो तो आपको ये भी पता होगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं क्या नहीं होती हैं ठीक है खैर उसकी डिटेल्स में हम नहीं जाते हैं यहाँ पर हम अभी सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट मैटर पे ही बात करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि जो एप्लीकेबिलिटी होती है ऑन ग्राउंड रियालिटी वो थोड़ी सी डिफरेंट थोड़ी ज्यादा ही डिफरेंट होती है व्हेन कंपेयर टू ये सारी चीजें चलिए लेट्स मूव अहेड नाउ वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड फिर उसके बाद ये आपको बताना है डिस्चार्ज ठीक है चलिए इसको कर लेते हैं फिर ये आज हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है पूरा खत्म हो जाएगा सर एंड मैम यहां पर जो अगला क्वेश्चन आता है वो बेसिकली आता है आपके कम्युनिकेशन और रेवोकेशन से कम्युनिकेशन का मतलब जब जो चीज आप कर रहे हो वो सामने वाले को पता चल जाए तो ऑफर का भी कम्युनिकेशन होता है एक्सेप्टेंस का भी कम्युनिकेशन होता है फिर उसके बाद आता है रेवोकेशन रेवोकेशन मतलब वापस लेना तो कब तक जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया जा सकता आपका ऑफर वापस लिया जा सकता है कब तक एक्सेप्टेंस वापस ली जाती है ये चीजें कुछ आपके एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं ठीक है स्लाइड में आज अब मैं जो पढ़ाने वाला हूं प्लीज इसको बहुत अच्छे से कर लेना 90 परसेंट चांसेस है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आएगा तो यहां से आने के चांसेस होते हैं yes. तो सर, बेसिकली वेजरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है पार्टीज का और कंटेजेंट में पार्टीज का इंटरेस्ट है यस हमारा भी आंसर सर बता दो ड्रीम इलेवन वैलिड है तो एक पुलिस मैन एक करोड़ कमा लिया तो उसे सस्पेंड क्यों कर दिया क्योंकि जो ये आपके पब्लिक uh, ऑफिशियल होते हैं दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स एंड ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये इनके उसमें होता है ठीक है ये भी एक चीज होती है आपको पता होना चाहिए चलो सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन ये एक व्यक्ति है जो कि ऑफर दे रहा है ये एक व्यक्ति है जो कि एक्सेप्टेंस uh, देगा अपनी तो इसको आप एक्सेप्टर कह सकते हो या ऑफरी कह सकते हो एक्सेप्टर या फिर इसको जो है कहा जा सकता है मैं तो पहले एक्टिव चलाऊंगी हे भगवान आ जाओ अब एक व्यक्ति ने अगर किसी दूसरे व्यक्ति को ऑफर दिया है तो वो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा तो द कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर विल बी कंसिडर्ड टू बी कंप्लीट एज सुन एज इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज़ मेड जैसे ही ये उस व्यक्ति के नॉलेज में आ जाता है जिस व्यक्ति को ये ऑफर दिया गया था यानि ऑफरी या फिर एक्सेप्टर जैसे ही ऑफरी या फिर एक्सेप्टर के नॉलेज में ये चीज़ आ जाती है तो फिर हम इसको कहते हैं कि यहाँ पर जो है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर ख़त्म हो गया है ठीक है अब आती है बात एक्सेप्टेंस के कम्युनिकेशन की एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन दो स्टेजेस में खत्म होता है ध्यान से सुनिएगा कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस दो स्टेजेस में खत्म होता है पहला स्टेज यहां तक है और इसके बाद आता है आपका दूसरा स्टेज जो कि यहां पर होता है पहला स्टेज कौन सा है पहला स्टेज स्टेजेस कि जैसे ही जिस व्यक्ति ने अपनी एक्सेप्टेंस दी है उस व्यक्ति ने अपनी एक्सेप्टेंस को इन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन डाल दिया है कहां डाल दिया है इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन जैसे ही ये व्यक्ति इनटू द मोड ऑफ ट्रांसमिशन डालता है ऐसा कहा जाता है कि एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द ऑफरर एज अगेंस्ट ऑफरर यानी यहां पर एक्सेप्टेंस को मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे डाल दिया यानी कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट ऑफरर खत्म हो गया ठीक है सिमिलरली जब सेकेंड स्टेज पूरी होती है जब सेकेंड स्टेज पूरी होती है तो हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एक्सेप्टर। एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर इस चीज को प्लीज ध्यान से पढ़ना यहां से क्वेश्चन आता ही आता है गाइस। ठीक है अब सवाल आता है रेवोकेशन का रेवोकेशन मतलब वापस लेना ठीक है तो आपको याद होगा मैंने बहुत अच्छे से एक चीज आपको पढ़ाई थी एंड दैट थिंग वॉज कि एक्सेप्टेंस एक्ट्स एज द एक्ट्स दू द एक्ट्स मैचिकू दन पाउडर जिस तरीके से एक बारूद में आप चिंगारी लगा सकते हो या माचिस लगा सकते हो उसके बाद देर इज नो गोइंग बैक सिमिलरली एक ऑफर में जैसे ही एक्सेप्टेंस दे दिया जाता है देर इज नो गोइंग बैक ठीक है अब यहां पर वही चीज है कि कब तक एक्सेप्टेंस को वापस लिया जा सकता है कब तक ऑफर को वापस लिया जा सकता है जब हम बात करते हैं रेवोकेशन की तो सर ऑफर कब तक वापस लिया जा सकेगा जब तक कि फर्स्ट स्टेज पूरी ना हो जाए यानी जब तक कि एक्सेप्टेंस यहां पर पूरा नहीं हो जाता क्योंकि जैसे ही मोड वन में सॉरी स्टेज वन में यानी कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इस चीज को डाल दिया गया उसके बाद ऑफरर पीछे नहीं हट सकता उसके बाद ऑफरर पीछे नहीं हट सकता है सिमिलरली अब <coughs> सॉरी ये समझ में आ गया कि ऑफरर जो है वो कब पीछे नहीं हट सकता यानी ऑफर वो कब तक वापस ले सकता है जब तक स्टेज वन कंप्लीट ना हो जाए द मोमेंट स्टेज वन इज कंप्लीट देन ऑफरर कैन नॉट स्टेप बैक ठीक है एक्सेप्टेंस कब तक वापस लिया जा सकता है एक्सेप्टेंस को तब तक वापस लिया जा सकता है जब तक कि द पर्सन टू हुम सॉरी द पर्सन हु गेव कम्स इन टू दॉलेज कम्स और द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टेंस यानी जब तक वो एक्सेप्टेंस उस व्यक्ति के नॉलेज में ना आ जाए जिस व्यक्ति ने ऑफर दिया था तब तक हम नहीं बोलेंगे कि एक्सेप्टेंस अगेंस्ट दी अगेंस्ट दी एक्सेप्टर कंप्लीट हुआ है यानी सेकेंड स्टेज जैसे ही होगा तो हम ये मानेंगे कि यहां पर एक्सेप्टेंस जो है वो कंप्लीट हो चुका है और फिर एक्सेप्टर इसको वापस नहीं कर सकता यानी एक्सेप्टर कब तक वापस कर सकता है जब तक स्टेज नंबर टू कंप्लीट नहीं हो जाती ठीक है आई होप दिस इज क्लियर दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर ये दी गई है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए एक बारी इसको लिख कर स्क्रीन uh, लेकर आप रख सकते हैं

एक इंफॉर्मेशन है क्या है वो इंफॉर्मेशन जल्दी से आपको बता देते हैं एक सेकेंड दीजिए जी दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट आई वॉन्ट टू टेल यू टेल्यूगाइ अभी चूंकि फेस्टिव सीजन चल रहा है इसीलिए अन आपके लिए लेकर आया है मौका जहां पर टिल ट्वेंटी सारे ही सब्सक्रिप्शन पर ट्वेंटी परसेंट का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है करना क्या है सर एंड मैम अभी जाना है और आपको बार फाइव कोड का यूज करके अपने आप को रजिस्टर करना है जैसे ही आप बार फाइव कोड का यूज करेंगे गेट टू सी दी मैक्सिमम डिस्काउंट इसी के साथ साथ लॉ एक्सिलेट बैच जो है ये ऑलरेडी लाइव है एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव के लिए एम एच सेट सी यू टी या फिर एनएल सेट ऐसे जो आपके थ्री ईयर एल एल बी एग्जामिनेशन है इनके लिए ट्वेंटी फिफ्थ से एक नया बैच चालू हुआ है इस बैच को आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो बायूजिंग द कोड बार ठीक है With this, I am signing off. Thank you so very much for your valuable time. Keep studying, keep grilling. Jai.